शाहरुख खान की फिल्म पठान को गुजरात में बैन करने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कहा कि गुजरात में फिल्म रिलीज हुई तो किसी भी अप्रिय घटना के लिए थिएटर मालिक जिम्मेदार होंगे। पठान के गाने बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर की बिकनी पहनी है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि भगवा रंग हिंदू धर्म का प्रतीक है और दीपिका इस रंग के कपड़े पहनकर बेशर्म रंग के बोल वाले गाने पर डांस कर रही हैं, जो काफी आपत्तिजनक है। बॉयकॉट करने वालों का मानना है कि भगवा जैसे पवित्र रंग का प्रयोग बिकनी के लिए करना स्वीकार्य नहीं है। फिल्म में भगवा को लेकर हुए विवाद में सांसद साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं जनता से अपील करती हूं कि ऐसे हीरो हीरोइन को जिसने भगवा को बेशर्म कहा उनको जवाब दो, इनके पेट पर लात मारो, इनकी कोई फिल्म मत देखो, जैसे ही इनके पेट पर लात पड़ेगी ये यहां से भाग जाएंगे। वहीं एक्टर मुकेश खन्ना ने बेशर्म रंग सॉन्ग के बारे में बात करते हुए कहा कि आजकल के बच्चे टीवी और फिल्म देखकर बड़े हो रहे हैं, इसलिए सेंसर बोर्ड को ऐसे गानों को पास नहीं करना चाहिए। हमारा देश कोई स्पेन नहीं बन गया जो इस तरह के गाने लाए जाएं। सेंसर बोर्ड इस तरह के गाने को पास ही क्यों करता है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि अगर गाने के बोल और वेशभूषा में बदलाव नहीं किया गया तो विचार करेंगे कि मध्य प्रदेश में फिल्म को रिलीज करना चाहिए या नहीं। वहीं बीजेपी एमएलए राम कदम ने कहा कि अगर कोई भी फिल्म हिंदू भावनाओं को हर्ट करेगी तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राम कदम का कहना है कि महाराष्ट्र में इस समय हिंदूवादी सरकार है और ऐसी कोई भी फिल्म जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है उसे वो महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देंगे। पठान कॉन्ट्रोवर्सी के बीच शाहरुख खान ने चुप्पी तोड़ते हुए फिल्म विवाद के बीच उन्होंने पहला सार्वजनिक बयान दिया। शाहरुख ने गुरुवार को कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इशारों इशारों में कहा, दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, मैं और आप जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब जिंदा हैं। शाहरुख का इशारा सोशल मीडिया पर फिल्म को ट्रोल करने वालों की तरफ था। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।